फार्मिंग करने का मामला सामने आया है, जहां जान से मारने की धमकी देने की घटना भी सामने आ चुकी है। राजीव गांधी वार्ड भंडारा में घटी हुई है। घटना की शिकायत भंडारा निवासी समीर नंदकिशोर मेश्राम 23 साल का बताया जा रहा है, जहां 11 अक्टूबर को पुलिस थाना में दर्ज कराई गई शिकायत पर जान समीर ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था, तभी आरोपी निवासी उमू पटेल सुयश बाल पांडे ध्रुव ने मिलकर समीर को पकड़कर बोला कि तू ज्यादा डॉन बन रहा है क्या, हमारे काम के बीच में क्यों आ रहा है, यह कहकर समीर को लोहे की रॉड से बुरी तरह से पीटा। वहीं दूसरी ओर भंडारा में ही पत्नी की पिटाई कर और जान से मारने की धमकी दी है, जहां पत्नी ने अपने पति के इलेक्ट्रिशियंस दुकान में जाने पर पति द्वारा तू दुकान में क्यों आई है, यह कहकर पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर डाली, यहां तक कि जान से मारने की धमकी तक दे चुकी है। यह घटना शुक्रवार की दोपहर शाही मंदिर के पास घटी है, जहां भंडारा की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और जहां दूसरी ओर से घटना सामने आ रही है कि भंडारा से जहां सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, भंडारा घर के सामने आकर गाली गलौज कर रहे आरोपी सुनील राणे 40 साल का बताया जा रहा है, ऐसा करने से मना करने पर प्रहलाद रहांग डाले पर सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। यह घटना तुमसर के ग्राम डोंगरलाम में हुआ है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।